I promise a better scoring in your physics. मेरा 6 नंबर क्वेश्चन देखो जो फोटो सेल के ऊपर है. इन ए पीएन जंक्शन फोटो सेल द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट इज प्रोपोर्शनल टू. आपका ऑप्शन ए द वोल्टेज अप्लाइड एट पीएन जंक्शन. द वोल्टेज अप्लाइड एट पीएन जंक्शन. बी ऑप्शन इज द बैरियर वोल्टेज एट पीएन जंक्शन. द बैरियर वोल्टेज एट पीएन जंक्शन. सी ऑप्शन इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेल. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेल. एंड डी ऑप्शन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेल. द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सेल. ठीक है, फोटो सेल के बारे में बात कर रहा है. फोटो सेल आफ्टर ऑल इट इज ऑल्सो ए पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड पीएन, इसका खासियत क्या है? ए रिवर्स बायस पे हमेशा काम करता है. तो छोटा बड़ा रिवर्स बायस. एक चीज देखो याद रखने के लिए, रिवर्स बायस जब दोगे इधर एक पोटेंशियल बैरियर तो होगा ही बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? जब रिवर्स बायस दोगे दिस होल्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव पॉइंट एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव पॉइंट. तो तुम्हारे जो बैरियर पोटेंशियल जो होगा ए वाला जो जगह है ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा. ये जगह क्लियर? ये जगह को बड़ा करने के लिए अपने रिवर्स बायस डाला है, बड़ा हो गया. दिस इज द खासियत. इसके ऊपर आप लाइट डालोगे, लाइट डालोगे. फोटो सेल पीएन जंक्शन फोटो सेल. फोटो सेल में इस पे तुम लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होगा. इधर ये जो जगह है बैरियर है पॉजिटिव नेगेटिव है तो फिर भी क्रिस्टल्स सिलिकॉन क्रिस्टल्स. तो सफिशियंट एनर्जी का लाइट अगर आ जाए ताकि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ सिलिकॉन वो टूट जाए. बॉन्ड ही टूट गया, इधर जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड टूट गया. टूट गया तो क्या हो गया? ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नंबर ऑफ होल्स हो गया. वो ही हमारा टारगेट है टू मेक मोर नंबर ऑफ होल्स टू मेक मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उसी से मेरा फोटो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये क्या है? फोर्स नहीं है, ईएमएफ है. ईएमएफ सामने फोटो वोल्टेज है ये. ठीक है, ये वोल्टेज पोटेंशियल वोल्टेज जो है ज्यादा करने के लिए हम इधर लाइट डालेंगे. लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना होना चाहिए मीनिंग बाय एनर्जी इतना होना चाहिए ताकि ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो टूट जाए. तो फ्रीक्वेंसी तो होना ही चाहिए लेकिन फ्रीक्वेंसी इज डेफिनेटली नॉट प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगा तो भी वही ब्रेक करेगा. ठीक है, समझ में आया क्या बोला? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू उससे जो अगर कम में डालोगे तो ब्रेक नहीं करेगा. ज्यादा डालोगे न्यू डैश फिर भी अगर 5 ब्रेक कर रहा था अभी भी 5 ही ब्रेक करेगा, ज्यादा ब्रेक नहीं करेगा. लेकिन ये ज्यादा ब्रेक करेगा कम ब्रेक करेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कितना नंबर्स ऑफ फोटोन्स आ रहा है. एक फोटोन आके एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दो फोटोन दो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा. ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड मीनिंग बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल
विच इज डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू कितना बने, वो पेयर कितना बनेगा, जितना नंबर ऑफ फोटोन आएगा. कितना नंबर ऑफ फोटोन आएगा, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा. क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स. फोटोन्स क्या है? एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट. क्लियर? ये सब जानते हो आप. एच न्यू होता है एनर्जी पैकेट, जानते हो. अभी नंबर ऑफ फोटोन्स 100 है तो इंटेंसिटी कुछ है, 1000 है तो इंटेंसिटी ज्यादा है. और एक फोटोन, वन फोटोन हैविंग सफिशियंट एनर्जी विच इज डिटरमिंड बाय द फ्रीक्वेंसी, वन फोटोन ब्रेक्स वन कोवेलेंट बॉन्ड, दस जेनरेटिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल. तो ज्यादा होल एंड इलेक्ट्रॉन जेनरेट कब करेगा? जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगा, क्योंकि तब फोटोन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी ज्यादा होगा. सो ईएमएफ, फोटो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. ज्यादा इंटेंसिटी होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होगा, नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक करेगा. कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो ज्यादा होगा. इंटेंसिटी इज योर करेक्ट ऑप्शन. वोल्टेज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन बोले तो दिस वन, नॉट इंटरेस्टेड. बैरियर वोल्टेज बोले तो दिस पोर्शन, नॉट रियल. सारा कुछ रिलेटेड है बट बॉन्ड टूटने के लिए नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्लियर? एंड नंबर ऑफ फोटोन इज इक्विवेलेंट टू सेइंग इंटेंसिटी. ठीक है? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लास्ट 20 इयर्स क्वेश्चंस आई हैव सॉल्व लाइक दिस. इफ यू आर बेनिफिटेड, डू वॉच.